hi everyone. Today I am back with something exciting and something different from cooking. Cooking तो मैंने आपको पिछली काफ़ी सारी वीडियोज़ में काफ़ी सारी सिखा दी हैं चीज़ें, तो आई थॉट कि ईद नज़दीक आ रही है तो कुछ ईद से रिलेटेड चीज़ें शेयर करें. ड्रेस कैसा बनाया मैंने ईद पे, ईद के लिए क्या तैयारियाँ की और ईद पे हम कौन सी ज्वेलरी पहनने जा रहे हैं, कौन सी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करके आई विल बी गेटिंग रेडी फॉर ईद. सो हेयर इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू शेयर. ये चीज़ें तो सब मैं आपको दिखा ही रही हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको एक नेचुरल मास्क भी बनाना सिखाऊंगी, इंस्टेंट मास्क फॉर ग्लोइंग एक वो बनाना सिखाऊंगी, और फिर मैं आपको थोड़े से ट्रिक्स दूंगी जिसके साथ आप ईद पर बहुत अच्छे लगेंगे. यू विल बी लुकिंग फ्रेश ग्लोइंग बिकॉज रोज़े रख के रोज़ों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपकी स्किन थोड़ी डल हो जाती है. उसके साथ साथ मैं जो चीज़ें कर रही हूँ ईद के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ. आई विल गेट माई हेयर डन, हेयर डू, I will show everything in this week. Let's see what I am going to wear on the Eid. Eid dress तो मेरा तैयार है, मैंने मारिया बी से buy किया था and I get it ready. I will show you that on Eid day. That is surprise. और jewelry मैंने ये कुछ buy की हुई है already और कुछ online order की हुई है. अगर वो I hope I will get it before Eid. वो अगर आ गई तो I will tell you what I have brought and from where I have brought. I have brought this bangle. Bangles. Here I have this Victoria's Secret Crush. This is very, its fragrance is very good. It smells so good. I keep on using it on daily. Before makeup, I will use this super hydrating, moisturizing, and nourishing Sephora. Haircut कराना है सबसे पहले, hair dye कराना है. So let's see, मैं किधर से अपना haircut कराती हूँ. I will be sharing that. Also with you my hair care. और उसके बाद after hair cut and on Eid day before taking shower I will use this hair repair cream and then I will be using this scrub, Shri Ayurveda का soothing gentle soothing scrub. इसमें क्योंकि oatmeal include है, that is a natural ingredient, और इस पर use करके एक तो आपके face की अच्छी तरह skin की scrubbing हो जाती है, dead skin आपकी skin से remove हो जाती है. After doing this both step, I will apply this mask before the makeup. And makeup के लिए मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी, करने से पहले मैं ये निविया सॉफ्ट ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि इससे आपकी जो बेस है बहुत ही स्मूथ बनती है, बहुत ही अच्छी लुक आती है बेस की. उसके साथ माकूजा ऑयल एज प्रेप फॉर द मेकअप. आई विल यूज दिस बोथ थिंग बिफोर डूइंग अप्लाइंग द बेस एंड प्राइम. सॉरी, MAC Prep and Prime. This is very good primer. I'm using it since I think last 4-5 years. And or maybe if you are at home, you can apply this baby skin. अगर आपने घर पर रहते हुए मेकअप करना है और आप नहीं चाहते कि आप बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करें और सारा दिन आपका मेकअप अच्छा रहे, फ्रेश रहे, तो this is very good Maybelline skin baby skin primer. I maybe use this Studio Fix SPF 15 Broad Spectrum by MAC or Too Faced, born this way. Porcelain, my shade is porcelain. और अगर आपको इधर लोकल ब्रांड्स में से कोई बेस लेनी है तो दिस लुमिनस स्मूथ बाय Maybelline Fit Me 115. दिस इज ऑल्सो अमेजिंग. इसकी कवरेज, इसकी जो फिनिश है बहुत ही अच्छी आती है. लाइक यू कैन सी कि मैंने इसको कितना यूज़ किया है एंड इसकी हालत क्या हुई हुई है. आफ्टर अप्लाइंग बेस आई विल यूज़ दिस ट्रांसलूसेंट पाउडर बाय लोरिया मर्सिया और आई शेड्स मे बी आई विल बी यूजिंग दिस नेकेड अर्बन डिके चेरी पैलेट और मे बी दिस Jaclyn Hill palette. Look at its shades, they are amazing. I just love this palette. Bronzer by Tarte. Contour, I will use this Kat Von D palette. I will be using this NARS concealer and
some shade from MAC. If I can show you properly, this is a natural nude shade by the MAC. Maybe I'll use this because my outfit is in light color. So let's see which shade. Maybe this one. Maybe Huda Beauty ka this one. Let's see. ये तो मैं जब आउटफिट पहन के मेकअप करके रेडी होंगी देन आई विल डिसाइड व्हिच शुड आई हैव टू वेयर इफ आई विल बी स्टेइंग एट होम एंड डोंट वांट टू वेयर टू मच मेकअप देन आई विल यूज ओनली टू थ्री थिंग्स एट होम वन ऑफ देम इज ये दिस टिंट बाय बेनिफिट और दिस वन बाय बॉडी शॉप ये मैं तकरीबन डेली ही यूज करती हूँ जस्ट अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस अप्लाई दिस टिंट एंड यू कैन यूज इट एज अ लिपस्टिक एज वेल This is super amazing by Body Shop. I have this Marc Jacobs and this one by Too Faced. I will be using one of them. Let's see what I will use. I will tell you on Eid mehndi ke bagair Eid is not complete. Main mehndi ghar hi le aayi thi is dafa because COVID-19 ki wajah se bahar jaake I think mehndi lagwana was not safe. So I brought mehndi at home. मैं इसको चांद रात पे अप्लाई करूँगी and don't forget to follow me on Insta. I will be sharing my live videos of mehndi, my hairdo, everything on that. तो मैंने जो आपको instant mask बनाना सिखाना था मैं वीडियो के शुरू में बताया था कि instant mask बनाना सिखाऊंगी So let's move towards that. It will give your skin a very natural glow. इसको बनाने के लिए आपको oats का powder चाहिए होगा 1 tablespoon. चावलों का आटा मैंने इसको बारीक बारीक बिल्कुल पीस लिया है बिल्कुल बारीक पीसना है इसको ये वन टीस्पून चाहिए आपको लेमन जूस आपको 1 टेबलस्पून चाहिए 1 टेबलस्पून योगर्ट हनी 1 टेबलस्पून आलमंड ऑयल 1 टेबलस्पून एंड 2 टेबलस्पून मिल्क इन सब चीज़ों को मिला के हम मास्क बनाएंगे इस मास्क को कैसे आपने फेस पे अप्लाई करना है और फिर इसको कैसे रिमूव करना है वो मैं सारा स्टेप वन बाय वन करके आपको प्रोसेस बताती हूँ पहले हम मास्क बना लेते हैं फिर मैं आपको इसको लगाने और इसको रिमूव करने का तरीका बताती हूँ मैंने इसमें डाला है जो कि नेचुरली जो है इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में और इचिंग रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा अब मैं चावलों का आटा इसमें ऐड कर रही हूँ जो कि एक नेचुरल स्क्रब का काम करेगा मिल्क इन दोनों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें दोनों जो मैंने पाउडर डाले हैं आपने इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क के ऐड करने हैं जो कि नेचुरल क्लिंजर का काम करेगा अब मैं दूध के साथ ही इसमें दही ऐड कर रही हूँ जो कि नेचुरली एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखता है और आपको एंटी एजिंग में भी हेल्प और फाइन लाइंस और रिंकल्स रिड्यूस करने में भी आपकी है लेमन का जूस जो कि हमारी कोलेजन को बूस्ट करेगा और स्किन को ब्राइट करेगा उसके बाद मैं इसमें हनी और आलमंड ऑयल आलमंड ऑयल जो कि आपकी स्किन को बहुत स्मूथ करेगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हनी जो कि एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा इन चीज़ों को अच्छी तरह आपने मिक्स करके कुछ 15-20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देना है 15-20 मिनट्स के बाद ये यूज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा लेट्स गो एंड पुट देम इन द फ्रिज एंड कम बैक आफ्टर 15 मिनट्स नाउ दिस मास्क इज़ रेडी हम अब इसको फेस पे अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इस मास्क को अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको इस मास्क को लगाने से पहले फॉलो करने पड़ेंगे बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और आपको पता लगता रहे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को किसी अच्छे फेस वॉश से वॉश कर लें और ड्राई कर लें ओके इसको अप्लाई करने से पहले आपने वॉश कर लिया फेस उसको ड्राई कर लिया नाउ मसाज योर फेस विद योर फिंगर टिप्स की मदद से अपने फेस पे हल्का हल्का 3-5 मिनट्स मसाज करें उसके बाद जो है इस मास्क को अप्लाई करें मैं आपको इसको हाथ पे लगा के बताती हूँ कि इसको कैसे लगाना है जब ये ड्राई हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है अब आप इसको किसी ब्रश की मदद से अपने फेस पे अप्लाई कर लें मैं आपको हाथ पे लगा के बता रही हूँ कि इसको लगा के ड्राई कैसे करना है और उसके बाद क्या स्टेप फॉलो करना है स्टे ट्यून्ड मैं इसको अब हाथ पे अप्लाई करके आपको बता रही हूँ
लेकिन आप इसको फेस पे फुल फेस पे अप्लाई करेंगे और नेक पे भी साथ। आप जैसे ही मास्क लगाएंगे आपको खुद ही फील होना शुरू हो जाएगा, ये बहुत ही सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट देगा आपकी स्किन को। 15-20 मिनट्स बाद जब मैं मास्क ड्राई होने लग जाएगा, आपने इस पर हल्का हल्का पानी स्प्रे करना है। इसको बिल्कुल जेंटल हैंड से, हल्के हाथ से स्क्रब करके रिमूव करते जाना है। इसी तरह से इसे 2-3 मिनट स्क्रब करके फेस पे, लेकिन अपना हाथ बहुत सॉफ्ट रखना है, सॉफ्ट हैंड के साथ मसाज करना है। स्क्रब करके इसको फेस से रिमूव करना है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने मिस नहीं करना, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपने एक आइस क्यूब लेके अपने फेस पर रब करनी है, ताकि आपके जितने पोर्स ओपन हो गए हैं स्क्रबिंग से वो क्लोज हो जाए। लास्टली आपको ये अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेके फेस पे अप्लाई कर लें। दोनों पाउडर्स को मिक्स करके एक जार में स्टोर कर लिया। आप भी इसी तरह स्टोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ मास्क, शीट मास्क बनाना सिखाऊंगी। माय हेयर केयर एंड माय मैनी पैडी, हाउ आई विल गेट देम। स्टे ट्यून्ड एंड कीप liking, keep watching my videos. Thank you. Allah Hafiz till next video. Please like, share, comment, subscribe and hit the bell icon so you never miss a video.